इस सर्किट इज शोन इन ए गिवन फिगर, फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन अब हम पहले भी कर चुके हैं, ये 5 और 2 ये दोनों किसके कैसे हैं आपके पैरेलल में, तो इनका हो जाएगा 7 माइक्रोफेरेड, ठीक, और ये 3 माइक्रोफेरेड, और इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना लगा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी। ये जो 4 माइक्रोफेरेड है ये आपके काम का नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंटली 6 वोल्ट के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। तो 6 वोल्ट की बैटरी है और इसका हो गया 7 माइक्रोफेरेड और ये है 3 माइक्रोफेरेड, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, तो इनका नेट हो जाएगा 7 × 3/7+3, सो इट इज़ 2.1 माइक्रोफेरेड। ये नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा ऊपर वाली ब्रांच में, ये नेट कैपेसिटेंस है और बैटरी 6 वोल्ट की है, तो कितना चार्ज चलेगा वहाँ से, क्यू इज इक्वल टू सी वी, 2.1 × 6, तो यह आया 12.6 माइक्रो कूलाम जो है वो चार्ज चलेगा। यानी अगर इस पर पूछा जाता कितना चार्ज आएगा तो 12.6 माइक्रो कूलाम आएगा। उसके बाद जब ये 12.6 आगे बढ़ेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, पोटेंशियल सेम है तो जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी आपके पास 12.6 माइक्रो कूलाम का चार्ज है जो 2:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है और आपको निकालना है इस 5 वाले पे कितना चार्ज आएगा, तो ये आएगा 5/7 × 12.6, ठीक, 5/7 × 12.6। तो क्या ये 7 से पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा, तो ये आपका आएगा 5 × 12.6/7, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है और नेट चार्ज आ रहा है 9 माइक्रो कूलाम, ठीक, मतलब मल्टीप्लाई होके ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जा रहा है और फाइनल आंसर आ रहा है 9 माइक्रो कूलाम, बी पार्ट। ये जो 4 माइक्रोफेरेड का यहाँ कैपेसिटर लगा था ये इंडिपेंडेंटली 6 वोल्ट के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसके यहाँ होने या न होने से ऊपर वाली ब्रांच के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, 3000 वोल्ट की बैटरी लगाई है आपने, चार कैपेसिटर हैं ए बी सी डी, चारों के कैपेसिटेंस दिए हैं 6, 5.2, 1.5 और 3.8, ठीक है, ए बी सी डी चार सबके दिए हैं आपको। इफ़ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, चार्ज हो गई होगी बैटरी से, सब कुछ चार्ज हो गया होगा और फिर बैटरी हटा दिए, हटा दीजिए, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी, बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बैटरी हटा दिए इस स्टेटमेंट का कोई यहाँ सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि बैटरी तो आपने पहले लगा ही रखी थी, कैपेसिटर तो चार्ज हो ही गए होंगे और जब सिस्टम जो है पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो जाता है तो फिर वो बैटरी से कोई करंट नहीं लेता, बैटरी से कोई चार्ज और एक्स्ट्रा नहीं लेता है, ठीक है, बैटरी फिर वहाँ लगा के रखो या हटा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो बस ये पूछ रहे हैं कि इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो कैसे करेंगे समझिए, देखिए ए का कैपेसिटेंस है 6, बी का है 5.2, सी का है 1.5 और डी का है 3.8, तो ये 5.2 3.8 मिलके ये बन जाएगा 9, यानी 3 कैपेसिटर हो गए आपके पास, एक का है 6, एक का है 9 और एक का कैपेसिटेंस है 1.5, और इन तीनों के अक्रॉस जो बैटरी लगी थी वो आपकी 3000 वोल्ट की बैटरी लगी थी। अब मुझे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है तो जो जो वोल्टेज होगा वो क्यू बाई सी कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी वन है, इसके अक्रॉस वी टू है, इसके अक्रॉस वी थ्री है, तो इनका जो रेशियो आएगा वी वन इज टू वी टू इज टू वी थ्री, तो ये आपका आ जाएगा 1/6 × 1/9 × 1/1.5। अब इसको प्रॉपर तरीके से सेटल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 18 से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे पूरे में तो यहाँ तो आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आपका आएगा 12, तो 3:2, 2:12 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने 3000 वोल्ट, और हमें चाहिए आखिरी वाले के अक्रॉस कितना आएगा, हमें तो इसके अक्रॉस चाहिए, ठीक, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं जरा, नहीं हमें आखिरी वाला नहीं चाहिए, हमें तो बीच वाले के अक्रॉस चाहिए क्योंकि बी के अक्रॉस पूछा है, तो बी के अक्रॉस वही होगा जो डी के अक्रॉस होगा, जो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस होगा, तो हमें तो ये चाहिए कि इसके अक्रॉस कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2/17
इंटू 3000, ठीक। सोचते हैं अप्रोक्सीमेट कितना आएगा। अगर यहाँ 15 होता तो 15 अगर ये होता तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता दो टू टाइम्स 200 टाइम्स, तो आपका आंसर आता 400 के आसपास, ठीक। लेकिन आपका 15 नहीं है, 15 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है तो 200 से कम, यानी आंसर 400 से कम आएगा, तो आपका आंसर आएगा 350 वोल्ट डी पार्ट। फोर कैपेसिटर्स आर अरेंज एज शोन, चार कैपेसिटर हैं, 1 माइक्रोफेरड, 3 3 3 इस तरह से अरेंज किए हैं, ठीक। ये 30 वोल्ट बैटरी इज प्लेस्ड अक्रॉस टर्मिनल पी क्यू, पी क्यू के अक्रॉस हमने 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी है, टू चार्ज द कैपेसिटर एंड देन रिमूव, उसके बाद फिर हमने वो हटा दिया। द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल आर एंड एस, आर और एस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो पूछ रहे हैं, तो बैटरी लगा के हटा दिए, इसका इसमें भी कोई सेंस नहीं है। ये बैटरी लगी है, लगी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 30 वोल्ट की बैटरी है और मुझे इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया आर और एस के अक्रॉस, मतलब मुझे इस 3 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया कितना होगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, समझिए ये 30 वोल्ट की बैटरी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 30 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में सीधे 1 माइक्रोफेरेड अटैच्ड है, तो एक तो ये 1 माइक्रोफेरेड डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके बाद उसके बाद वाली जो ब्रांच है उसमें 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के तीन कैपेसिटर सीरीज में लग के आपस में अटैच हैं, तो उसके बाद ये यहाँ सिचुएशन इस तरह से है, 3 3 और 3, ये है फाइनल डायग्राम आपका, सिंप्लीफाइड डायग्राम, और आपसे पूछ रहे हैं कि इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल बता दीजिए। तो मैं फिर से कहता हूं कि ये जो 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा है ये इंडिपेंडेंटली 30 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में लगा है, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, ठीक। अब आप हमारे क्वेश्चन में तीन 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 के तीन कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं 30 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो सिंस ये कैपेसिटेंस इनके पास बराबर है तो इनने पोटेंशियल को बराबर 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 बांट लिया होगा, तो हर कैपेसिटर को जो है वो 10 वोल्ट 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो बस यही पूछ रहे हैं कि बीच वाले के अक्रॉस कितना होगा, तो बीच वाले या पहले वाले या तीसरे वाले किसी के अक्रॉस पूछा जाएगा तो आंसर आएगा 10 वोल्ट ए पार्ट, ठीक। समझ लीजिए इसको, ये तीनों सीरीज में, सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है और कैपेसिटेंस सेम दिया है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी या वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, कैसे भी समझ लीजिए, चार्ज सेम होता है, कैपेसिटेंस सेम दिया है तो पोटेंशियल भी सेम होगा, तो 30 वोल्ट का पोटेंशियल है वो तीनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, 10 10 10 वोल्ट तीनों को मिल जाएगा। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर शोन इन फिगर बिलो इज 30 माइक्रोफेरेड, नेट कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफेरेड है तो सी कितना है ये पूछ रहे हैं, सिंपल। तो ये 20, ये 20, ये 20, तो ये तीनों मिलके हो गए 60, 60 के साथ सी सी जो है वो सीरीज में, और नेट आंसर आ रहा है 30, यानी 1/60 प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/30, तो 1/C यहाँ से कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1/30 माइनस 1/60, सो एलसीएम आपका आ गया 60, तो 2 माइनस 1, तो सी जो आया आपका वो 60 के आसपास, 60 माइक्रोफेरेड आ गया, सो योर आंसर इज ए पार्ट। इन द सर्किट शोन इन फिगर सी इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेरेड, तो ये 6 है, ये 12 माइक्रोफेरेड है, और इस बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी, सी में कितना चार्ज स्टोर होगा वो पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है, ये अर्थिंग है, अर्थिंग है इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल होगा 0, तो सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेरेड का, तो कितना चार्ज स्टोर होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, 60 माइक्रो कूलाम चार्ज स्टोर हो जाएगा, सो योर आंसर इज डी पार्ट। इन द सर्किट शोन इन ए फिगर चार्ज स्टोर इन 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी विल बी, ठीक है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, और ये पूछ रहे हैं 6 पे कितना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, तो जरा समझिए, आराम से समझिए। सबसे पहले मैं इसमें निकाल सकता हूँ कि इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर होगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, नीचे वाला नेगेटिव होगा, साफ दिख रहा है बैटरी के हायर पोटेंशियल से जो कनेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव से जो कनेक्ट है वो नेगेटिव होगा, कितना चार्ज स्टोर होगा वो भी बहुत सिंपल है,
ठीक है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू आपका आ जाएगा 36, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी जो है वो 4 है और वी 9 है, तो ये 36 माइक्रो कूलाम का चार्ज स्टोर होगा इस पर। ठीक, अब इस पर कितना होगा वही तो हमको निकालना है, तो मैंने कहा चलो इस पर क्यू चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इस वाली सरफेस पे मान लिए पॉजिटिव और मैंने इस वाली पे मान लिया निगेटिव। अगर जो मैंने माना है वो गलत होगा तो अपने आप ही मेरा आंसर अपोजिट निगेटिव होकर आ जाएगा। ठीक, तो चलो यहाँ से अब हम किरचॉफ लगाएंगे, इस पॉइंट से किरचॉफ लगाएंगे और ऐसे पूरे लूप में घूम के यहाँ आ जाएंगे वापस। तो ये आपका आएगा क्यू बाई 6 प्लस इसका चार्ज था दूसरे, इसका इस पे चार्ज कितना था, इसका भी क्यू बाई 6 लिखेंगे, तो ये जाएगा 36 बाई 4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्यू बाई 6 जो आपका आया वो आया माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स, होना भी चाहिए 9 टाइम, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट का ही तो है, तो 9 आना भी चाहिए, आ ही गया 9। तो यहाँ से जो क्यू आ रहा है वो आपका 18 माइक्रो कूलाम आ रहा है, सो योर आंसर इज ए पार्ट। ठीक, अगर आप थोड़ा जल्दी करते तो आप ऐसा समझ सकते थे कि 12 वोल्ट की बैटरी है और अगर हम अंदर वाले चार्ज पे ना जाएं, देखिए समझिए जरा, एक बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते थे इसको। अगर मैंने कहा कि चलो इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है और मैं किरचॉफ लगा रहा हूँ, लेकिन बार बार घूमेंगे ऐसे, बार बार घूमेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से जाएंगे ऐसे, जाएंगे ऐसे और ऐसे आ जाएंगे, तो अंदर वाले पे चार्ज पोटेंशियल कुछ भी सोचे बगैर ही डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से चलते हैं तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम प्लस क्यू बाई 6, फिर यहाँ पहुँचेंगे तो लिखेंगे प्लस 9, फिर यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो क्यू आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 18 माइक्रो कूलाम ए पार्ट। ठीक, मैं ऐसे लिखता हूँ कि जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट तक नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। अगर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पहले मिल जाती है तो प्लस क्यू बाई सी लिखते हैं, नेगेटिव मिल जाती है तो माइनस क्यू बाई सी लिखते हैं। बैटरी की पॉजिटिव सरफेस पहले मिल जाती है तो प्लस वी लिखेंगे और नेगेटिव मिल जाए तो माइनस वी लिखेंगे। जैसे हम यहाँ से चले तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट मिल गई पहले तो प्लस क्यू बाई 6 लिख दिया, फिर आगे बढ़े यहाँ बैटरी की पॉजिटिव मिल गई तो प्लस 9 लिख दिया, फिर यहाँ से चले तो बैटरी की नेगेटिव मिल गई तो माइनस 12 लिख दिया, इज इक्वल टू 0। क्लियर, इन द गिविन सर्किट इफ द पॉइंट सी इज कनेक्टेड टू द अर्थ, ये अर्थिंग हो रखी है यानी यहाँ पे कोई पॉइंट सी रहा होगा आपका, और ए का पोटेंशियल आपको दिया है 2000 वोल्ट। ठीक, और आपको बी का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, हमें इस टर्मिनल का, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना। तो तरीका बहुत आसान है, इसका हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर आपको फॉर्मूला पता है। तो नेट कैपेसिटेंस 10 और 10 का हो जाएगा 5 और 5 के साथ 10 पैरेलल में तो हो जाएगा 15। तो सेटअप फाइनली ये आया, ये है पॉइंट ए, ये है आपके पास 5 माइक्रो फेरड, ये है पॉइंट बी और यहाँ पे लगा है 15 माइक्रो फेरड, और इसका पोटेंशियल, इसको अर्थिंग करी हुई है, ये सी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट है, ये 2000 वोल्ट है, और हमको बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा गया, इसका पोटेंशियल पूछा गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और जो फॉर्मूला आपका आया था वो आपका आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। सारी वैल्यू डाल देते हैं, C1V1 2000 इंटू 5 प्लस 0 अपॉन 20, तो ये कैंसिल आउट हुआ 100 टाइम्स, तो उसका पोटेंशियल आपका आ गया 500 वोल्ट। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक, ये भी गिवन नेटवर्क दिया, C1 जो है वो 10 है, C2 आपका 5 है और C3 4 है। ठीक, ये है आपका 10, ये है आपका 5 और ये है आपका 4। व्हाट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस कितना, वो बहुत ही आसान है, ये दोनों पैरेलल में, तो ये 15 हो जाएगा और 15 और 4 का सीरीज में आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 अपॉन 15 प्लस 4 मतलब 19, तो ऊपर हो गया आपका 60, नीचे हो गया 19, अगर नीचे 20 होता तो 3 आंसर आ गया होता, ये 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, सो योर आंसर इज बी पार्ट।